एकदम ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आज आप ज्यादा फिट और स्लिम लग रहे हो मुझे। भाई अंकित जी दिखाइए जरा। हाँ मैं आजकल वजन कम करने में लगी हूँ। अरे वाह, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप कैसे कर रहे हो ये बड़ा मुश्किल भी होगा थोड़ा सा। अगर आप लोग सोशल साइट पे हैं और इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पेज पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैं बहुत कुछ कर रही हूँ एक्चुअली। वैसे ताने सुन सुन के भी बहुत थक गई होंगे। बात तानों की नहीं थी, बात ये था कि कुछ चेंज ओवर नहीं आ रही थी चीज़ें ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा था कि बस एक ही रूटीन पे हर चीज़ चल रही है, और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से टॉपिक निकली इस बात को लेके, तो मुझे ऐसा कुछ कहा गया जो मुझे बड़ा बुरा लगा। मतलब लोगों ने ऐसा कहा कि मैं हो ही नहीं सकती, मैं कर ही नहीं सकती। या तो मैंने कहा ये तो ऐसे ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो मैं नहीं कर सकती, तो आई विल मतलब ये घर वालों की बात पे ज़्यादा। घर हैं और दोस्त हैं। अच्छा, वैसे खैर अब आप जब वजन कम हो रहा है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, ज़्यादा बेटर बेहतर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। सबसे पहली चीज़ जो चेंज हुई लाइफ से, जो नेगेटिविटी जो होती है ना, ये मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी से ना नेगेटिविटी पूरा ख़त्म कर देता है। हम बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं। मैं सिर्फ वर्कआउट के अलावा मैं और भी ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जिसमें मुझे सिर्फ पॉजिटिव लगता है, ऐसे लगता है वाओ, मतलब ऐसा वाला। मैं चाहती हूँ कि ना मैं इस बारे में उस दिन सबसे ज़्यादा बात करूँ जिस दिन मैंने जो टारगेट शुरू किया है उस टारगेट पे पहुंच जाऊं। तो ये कहां तक जाके रुकने वाला है? ये बहुत जल्द आप लोगों को नजर आएगा। अच्छा, वैसे अब आप जरा फिल्म की बात बताएं, आप यहां पे बेसिकली जस्ट स्टूडियो में आ रहे हो आप। एक्चुअली मैं डबिंग कर रही हूँ बेमिसाल खिलाड़ी की। जैसे टाइटल जो जिस तरह का है आप लोग समझ गए होंगे किस तरह की फिल्म होगी। एक्शन फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है, और मेरा जो रोल है इसमें जस्ट चुलबुली टाइप की लड़की का रोल है, जो खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड है, जो खिलाड़ी बिल्कुल उसको भाव देता नहीं है, तो उस तरह का कैरेक्टर मेरा। अच्छा, असल जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ कि किसी ने सच में भाव नहीं दिया रानी चटर्जी को? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस, ऐसा तो ये तो कॉन्फिडेंस है। यस, ये कॉन्फिडेंस है। लकी, आई एम लकी कि मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी ने भाव ना दिया हो, तो ऐसा तो नहीं। अच्छा, ये भी पूछ लेता हूँ कि भाव किस किस ने दिया? इक्का दुक्का तिक्का छोड़ के सबने भाव दिया। खैर सभी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी प्यार करते हैं। ऐसा भी होता है कि शायद कई लोगों ने ट्राई भी किया और मैंने ही ध्यान न दिया हो कि आपने भाव नहीं दिया। ये सच में ट्राई कर रहा है शायद ऐसा कुछ, तो ऐसा ऑलमोस्ट सभी लोग ऑलमोस्ट। अच्छा, खैर रानी जी, अब जब हम लोग वजन की बात कर रहे थे, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फिटनेस फ्रीक हैं, हमारे यहाँ पे फिटनेस को लेकर बड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह थोड़े खाते पीते करके होते हैं, तो उन्हें क्या कहती हैं बेसिकली इंडस्ट्री के लोग, जो आपकी हीरोइने हैं, आपकी दोस्त हैं खासतौर पर, और थोड़ी खाते पीते घर की हैं, थोड़ी मोटी हैं? वैसे मुझे लगता है कि सभी लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं अपनी फिटनेस को लेके, खासकर जब से मैंने शुरू किया। देखो ये जो टैग था ना मोटी फैट, ये मुझे लगता है कि इस टैग में नंबर वन हमेशा मैं ही रही हूँ। मैंने किसी को नहीं आने दिया, मैंने किसी को नहीं आने दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे किसी को एडवाइस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी अपने हिसाब से, सबकी रूटीन, लाइफ रूटीन अलग होती है। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा तो अगर आपको वेट कम करना, चूँकि हम जब काम कर रहे होते हैं और इस जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें हम जो भी मिला खा लेते हैं, तो इस चीज़ पे ही हमें सिर्फ कंट्रोल करना है। आप कुछ भी, आप कितना भी भागा दौड़ी कर रहे हो ना, अगर आपके फूड पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप मोटे ज़रूर होंगे, भले कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो। अच्छा, तो खाने 80% डाइट, 20% वर्कआउट है। वैसे खाने के लिए तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आप मेरी डाइट चैट अभी सुनेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे, इसलिए मैं अपनी डाइट चार्ट बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। अब मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी खाना है, जितना खाना है, 6 बजे से पहले खा लीजिए। अच्छा, ये बेसिक चीज़ है? ये बेसिक है, ये मतलब 6 बजे से पहले खा लीजिए, और अगर शाम को 10 बजे 11 बजे भूख लग जाती है, कुरमुरे हैं, मखानी है, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एक वाइट खाइए और वही खा के सो जाइए। इस चीज़ पर सिर्फ कंट्रोल कर लीजिए, आपको अपने आप फ़र्क समझ में आने लगेगा। वैसे रानी जी, अब हम बात कर रहे थे फिटनेस की,
फिल्मों के बारे में, आपकी ये फिल्म पूरी हो रही है, आप डब कर रहे हो, हम कब तक देख पाएंगे इस फिल्म को बेमिसाल खिलाड़ी? मे बी नेक्स्ट ईयर आ जाएगी ये फिल्म। अभी रानी वेर साजा ऑन रिलीज है मेरी, और इसके बाद मेरी और भी फिल्में आएंगी। चूँकि अब चूँकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो मैं मतलब एज एन लुक वाइज भी चेंज होती जा रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने अपने कॉन्सेप्ट भी चुने हैं। तो ऐसे बैक टू बैक फिल्में आएंगी। चोर मचाया शोर का म्यूज़िक रिलीज़ होने वाला है, दिसंबर में ही होने वाला है। और आई थिंक ये फिल्म कब जाएगी सर अपनी रिलीज़ पे? ये फरवरी में। देखिए दिसंबर में रानी वेट साजा आ रही है, फरवरी में बेमिसाल खिलाड़ी आ रही है, और जनवरी में आ जाएगी चोर मचाया शोर। तो ये साहब का ज़रा परिचय बताया। बिल्कुल हाँ, सर हैं हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, मतलब मेन कप्तान जो हैं ये यही हैं। इन्होंने संभाला हुआ है रजनीकांत को, इन्होंने संभाला हुआ है मुझे, संभाला हुआ है सभी को, इन्होंने संभाला हुआ है। कप्तान साहब अभी दिख नहीं रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे क्या? नहीं, मैं एक्चुअली डबिंग चल रही है, बिजी थे, और हमारी जो हीरोइन है उनकी आज डबिंग चल रही है, तो मैं उसी में बिजी था। वास्तव में सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और एक अच्छी फिल्म बन गई है गलती से। और वास्तव में देखिए, रानी के बारे में जो कहा जाता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। रानी हर चीज़ में परफेक्ट है, ये मैंने देखा, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो नेचर हो, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत कोऑपरेटिव लड़की है। इसीलिए तो इन्हें रानी कहते हैं जी, इसीलिए रानी कहते हैं। मैं तो हमेशा इनको यही लिखता हूँ कि रानी हमेशा रानी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे आपके पास रजनीकांत भी है। अरे तो इसीलिए तो देखिए, रजनीकांत और रानी दो ऐसा संगम हुआ है कि फिल्म जबरदस्त बन गई है गलती से। पूरी तरह से लव स्टोरी है और मैं खुश हूँ कि मुंबई में आज रिलीज हुई है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसके प्रमोशन में नहीं जा पाई, क्योंकि शायद प्रमोशन प्लान नहीं किया गया मुंबई का। बाकी बिहार में फिल्म ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है, और मैं चाहूँगी सभी दर्शकों से कि जाके फिल्म देखें। और ये गारंटी है मेरी कि आप लोगों को कहीं से भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि आप लोग कैसी फिल्म देखने आ गए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है भोजपुरी फिल्म्स को लेके कि कुछ ऐसा कोई ऐसा सीन आ जाएगा या कुछ ऐसा गाना आ जाएगा। तो मैं पूरी तरह से गारंटेड हूँ। मेरी जितनी भी फिल्में आ रही हैं, इश्क बड़ा बेदर्दी, रानी वेट्स राजा, और शायद आप लोगों को पता नहीं है रानी वेट साजा को यू सर्टिफिकेट मिला है विदाउट एनी कट, और उसके बाद बेमिसाल खिलाड़ी है, चोर मचाए शोर है, कहीं पर भी किसी भी तरह आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि कोई अश्लीलता से भरे गाने हैं या समथिंग ऐसा कुछ है। तो प्लीज़ आप लोग जाके सिनेमा हॉल में इश्क बड़ा बेदर्दी ज़रूर देखें। वैसे फिल्मों की बात चली है तो एक फिल्म ने बड़ा धमाल मचाया पिछले हफ्ते, रजनीकांत साहब के सामने रिलीज हुई दबंग सरकार। क्या रानी चटर्जी ने दबंग सरकार देखी? मैंने नहीं देखी। क्यों यार, इसका कोई रीज़न नहीं है। मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा। मैं नहीं देखती, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इज़ वेरी ऑनेस्ट स्पीकिंग, मुझे सेम शक्लें देख देख के मैं थक चुकी हूँ। सो जब भी इन लोगों का कुछ ऐसा आता है तो मैं स्विप कर देती हूँ, क्योंकि सेम शक्लें कितनी बार देखूंगी। मतलब रजनीकांत की फिल्में नहीं देखती या किसी सुपरस्टार की? नहीं, रजनीकांत की नहीं, जो हमारी भोजपुरी के स्टार्स हैं उनमें मैं किसी के ट्रेलर नहीं देखती हूँ। फिल्में भी नहीं देखती? फिल्में भी नहीं, मुझे साल हो गया फिल्में देखे। कब से बंद कर दिया आपने? बहुत टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं लास्ट फिल्म लोग कब कौन सी देखी थी। वैसे दबंग सरकार फिल्म साफ सुथरी है, अच्छी। आपने देखी है तो बताएंगे। मैंने देखी है, और पूरा ग्रुप ही हमारा गया था, अच्छा काम किया सारे लोगों ने, और सबसे अच्छी बात है एक साफ सुथरी फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, ये अच्छी बात है। चलना अगर चलना है ये तो ऑडियंस के ऊपर होता है, लेकिन एक बढ़िया फिल्म आई है, ये बड़ी अच्छी बात है। और बहुत राइटर एक्टर जितने भी हैं सारे ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब तो डायरेक्टर साहब ने बता दिया कि साफ सुथरी फिल्म तो डेफिनेटली अगर इन्होंने देखा है, इन्होंने और इस तरह हमेशा सच कहते हैं, बिल्कुल अगर मुझे देखने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं देखने जाऊँगी। वैसे क्या है, जैसे मैंने बीच में मैंने किसी की फिल्म देखी थी, मेहंदी लगा के रखना 2, जो मुझे चिंटू की फिल्म देखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। चिंटू बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, चिंटू ने, यश ने, मंजूल ने, क्या नहीं, मैं ऐसे मंजूल ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैंने वो फिल्म देखी थी, तो वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह की कुछ अलग फिल्में आएंगी तो डेफिनेटली मैं देखूंगी। अगर सर बोल रहे हैं दबंग सरकार, तो मौका मिलेगा नहीं, तो मैं दबंग सरकार रियल बिल्कुल मैंने देखा उसको। मेरा ये बोलना है कि मैं जब भी इन लोगों का कुछ देखती हूँ, मतलब खैर मैं क्या देखती हूँ, पोस्टर ही देखती हूँ,
सारे भाई वही कह रहे होते हैं कि दबंग सरकार पार्ट टू का हिस्सा है, लेकिन रानी कब आया? रानी की दिल की बात एक है कि रानी बड़े दिल से चाहती हैं कि रजनीकांत एक लगता है कि इनके अंदर वो चीज़ है और शायद आगे चल के सुपर, अभी इन्होंने अंदर भी कहा था कि मैं ये बेमिसाल खिलाड़ी एक सुपरस्टार के साथ, आने वाले सुपरस्टार के साथ कर रही हूँ, ये अच्छी बात है, एक सोच है। और क्योंकि रानी ने इतनी फिल्म की है तो इन्होंने अगर किसी के अंदर ये बात देखी है तो हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए और बेमिसाल खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे देखिए संजय जी ने, समर्थ जी ने, अनूप जी ने, सुधाकर, नगीन बड़ेल, अच्छा वो नहीं देखी, वो नहीं देखी। मेहंदी टू खा ले, समवन सजेस्ट मी कि ये फिल्म देखनी है तो ये फिल्म देखें, तो मैंने उस फिल्म को देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। देखी नहीं जाए पाकिस्तान से, तो आपने देखा नहीं? देखा अभी तक नहीं। YouTube पे कहाँ है वो? और किसी ने मुझे इनवाइट भी नहीं किया इसके इस पे प्रमोशन प्रीमियर पे। वैसे आने वाली फिल्म कौन सी है? तीन चार फिल्में हैं, बेमिसाल खिलाड़ी है, रानी वेट्स राजा है, चोर मचाए शोर है, अभी मैं जा रही हूँ छोटी ठकुराइन के लिए, ऑन फ्लोर होने वाली मेरी फिल्म। आखिर कौन होगा छोटी ठकुराइन? वो सस्पेंस है, उसमें हीरो ही नहीं है। अच्छा बिना हीरो वाली फिल्म? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म आ रही है वो मेरी, चूँकि अभी हम लोग ऑन फ्लोर जाने वाले हैं, उसमें जो हीरो है मेरा सुशील सिंह है, तो कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, तो आई थिंक लोगों आप सभी को बहुत पसंद आएगा वो। वैसे भोजपुरी सिनेमा के लिए एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जो दौर चल रहा है इस दौर में नए लड़के और कुछ नए सितारे आना बहुत ज़रूरी है, और मैं हर मेकर से, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर फाइनेंसर से ये कहना चाहूँगा कि वो नए लोगों को जितना बढ़िया चांस देंगे उतना ही सिनेमा भोजपुरी अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, जैसा कि हो नहीं रहा है, क्योंकि कुछ नाम है जिनके लिए हमेशा फाइनेंसर डिस्ट्रीब्यूटर नाम लेता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि नए लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक भोजपुरी का स्तर थोड़ा बढ़ाना हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए नए लोगों का आना आगे बहुत ज़रूरी है ताकि नए चेहरे दिखें, कुछ नयापन दिखे, जैसा कि भी। और मैं उन नए चेहरों से कहना चाहूँगी कि जब आप लोग आ रहे हैं तो बहुत मेहनत कर कर आइए, तैयारी करके आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी जो नए सोच रहे हैं, जो आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं भोजपुरी, तैयारी से, ये बात तैयारी के साथ आए, क्योंकि पैसा होना ही आपको हीरो नहीं बनाता है, आपके अंदर टैलेंट भी होना चाहिए। आप पैसा लाते हैं, माँ बाप का बर्बाद कर देते हैं, कुछ नहीं हो पाता, इसलिए आप अगर पूरी तैयारी से आते हैं तो आप यहाँ एस्टेब्लिश हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, कम से कम दाढ़ी वाड़ी बना के। यस यस, मैं बहुत अच्छे नहीं, स्मार्ट नहीं लगते, हल्की हल्की सी ना बियर्ड रखो, ये देखो कितना बड़ा लिए। अच्छा, वो पहले क्या था कि मुझे डेली शेव करनी पड़ती थी, ऑफिशियल काम था मेरा। अब मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ तो मेरे पास टाइम है, सो आई एम जस्ट रेजिंग माय बियर्ड टू लुक डिफरेंट। तो अभी मतलब रानी जी की बातों का इतना असर हुआ कि दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी। खैर, इनके बातों का तो बहुत मैंने कहा स्मार्ट बनो, देवदास बन गए। आगरा में इन्होंने एक टोचन दिया था और एक यहाँ मुंबई में, उसके बाद ये दाढ़ी का राज खुल गया आखिरकार। बेमिसाल खिलाड़ी बहुत अच्छी फिल्म है और दीपक सर ने बहुत अच्छा इसको सजाया है, हालांकि थ्रू आउट द फिल्म इन्होंने हमेशा गाइड किया है रानी जी की, तो खैर हमने पहले अभी इंटरव्यू में बात किया ही है। सो ओवरऑल बहुत अच्छी फिल्म बनी है और आई होप कि दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पे एक नया गाना आने वाला है रानी चैटर्जी एंटरटेनमेंट, और इनकी शक्ल ऐसे ऐसे बनी हुई है इस वक्त, बिंदास भोजपुरिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बहुत अच्छा गाना आने वाला है, सैड सॉन्ग आने वाला है, सैड वर्जन आने वाला है। जी हाँ, मैं तो पहले से सैड हूँ। थैंक यू, थैंक यू।